इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। सो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था किस तरीके से बबल सॉर्टिंग की जाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। सो पहले हम जानेंगे सिलेक्शन सॉर्ट थ्योरेटिकली, देन उसके बाद में हम देखेंगे किस तरीके से हम प्रोग्राम बनाते हैं, एंड जो लास्ट एंड थर्ड जो स्टेप है उसके अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एंड उसकी क्या एप्लीकेशन है, उसको किस टाइम यूज किया जाता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे लास्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। नाउ सबसे पहला पार्ट हम समझ लेते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सो यहाँ पे मैं एक एरे ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ये हमारे पास में एक एरे है, ठीक है। अब सिलेक्शन सॉर्टिंग क्या कहती है कि सेलेक्ट करो और स्वैप कर दो, यानी कि एक इंडेक्स को पकड़ो और उसका उस इंडेक्स के साथ में स्वैपिंग कर दो जहां पे एरे के अंदर मिनिमम वैल्यू हो, सबसे छोटी वैल्यू हो उसके साथ में क्या कर दो, स्वैप कर दो। फिर नेक्स्ट इंडेक्स को पकड़ो और चेक करो उससे आगे, ठीक है, राइट साइड में। अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी हो, उसके लिए बता रहा हूं, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर करनी हो तो फिर हमें राइट साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम जो सॉर्टिंग करेंगे वो एक सॉर्टिंग समझेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऑटोमेटिकली उसका रिवर्स अगर हम चीजें कर देंगे तो डिक्रीजिंग सॉर्टिंग हो जाएगी। नाउ अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड से यानी कि जीरोथ इंडेक्स से हम स्टार्ट करेंगे और उसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है उनके साथ में हम कंपैरिजन करेंगे और जो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी राइट साइड में, जो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी वहां पे हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, ठीक है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मूले के साथ में। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 9 से, फर्स्ट स्टेप इसके लिए चलेगा, एंड 9 का हम कंपैरिजन करेंगे इन सब इस इंडेक्स में मिनिमम जो वैल्यू हम सर्च करेंगे और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, इनका स्वैपिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो हमें मिनिमम जो इंडेक्स हमें मिला वो मिला 0, सबसे पहले हम 9 का जो इंडेक्स है वो स्टोर करेंगे, फिर हमें मिलेगा 1 तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये 9 से बड़ा है, तो फिर हमें मिलेगा 2, ठीक है, और फिर हमें मिलेगा 3, एंड 4 तो नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि 3 एंड 4 का जब कंपैरिजन होगा तो वहां पे सबसे छोटा कौन सा है, 3 है, तो 4 इंडेक्स नहीं मिलेगा। तो जो लास्ट में जो हमें इंडेक्स मिली मिनिमम वैल्यू की वो इंडेक्स है 3, तो 9 एंड 2 का क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगा। देखो इनकी इसकी इंडेक्स क्या है, 0, इसकी क्या है 1, इसकी है 2, इसकी है 3, इसकी है 4, ठीक है। तो 0 एंड 3 का स्वैपिंग होगा, जब इनका स्वैपिंग होगा तो हमें जो न्यू जो एरे हमें मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा, 2 11 4 9 एंड 3। नाउ अब जो सेकेंड स्टेप है वो है सेकेंड इंडेक्स यानी कि 11। अब 11 के राइट साइड में मिनिमम वैल्यू है जो वहां पे मिलेगी हमें, वहां पे हम इसका क्या कर देंगे, स्वैपिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स सबसे पहले स्टोर होगी 1, नीचे लिख लेता हूं, यहां पे सबसे पहले स्टोर होगी 1, फिर होगी 2 एंड 4 एंड 9 का कंपेरिजन होगा तो 4 ही सबसे मिनिमम है, तो यहाँ पे 2 इंडेक्स, देखो 0 1 2 3
थ्री एंड फोर, ठीक है। तो सबसे पहले वन, फिर आएगा टू, एंड थ्री नहीं आएगा क्योंकि फोर से नाइन बड़ा है, फोर से थ्री छोटा है, तो यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स हमें मिल जाएगी फोर, ठीक है। थ्री मिल गया हमें, तो मिनिमम इंडेक्स हमें मिल गया फोर। नाउ अब इंडेक्स वन एंड फोर का स्वैपिंग होगा, मींस वैल्यू इलेवन एंड थ्री का स्वैपिंग होगा। तो ये जो हमें एरे मिलेगा वो न्यू हमें एरे मिलेगा टू थ्री, यहाँ पे आ जाएगा थ्री, फिर फोर, फिर नाइन, एंड यहाँ पे ये इलेवन, ठीक है। नाउ थर्ड जो स्टेप है वो चलेगा इस वाले इंडेक्स के लिए। अब इसके राइट साइड में जहाँ पे मिनिमम वैल्यू है उसके साथ में हम कंपैरिजन करेंगे, और जहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी उसके साथ हम स्वैपिंग कर देंगे। तो यहाँ पे जो मिनिमम फर्स्ट मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी टू, एंड फिर हमें कोई मिनिमम वैल्यू नहीं दिख रही है तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसके साथ ही ये स्वैप हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो हमें इंडेक्स मिलेगी इस वाले स्टेप में भी यही इंडेक्स मिलेगी फोर नाइन एंड इलेवन, ठीक है। देखो इस केस के अंदर स्वैप नहीं हो रहा, बट हो सकता है कुछ ऐसा केस हो जहां पे स्वैप हो, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है नाइन के साथ में, नाइन के राइट साइड में यहाँ पे हम कंपेरिजन करेंगे और मिनिमम वैल्यू वाले इंडेक्स हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स फिलहाल के लिए थ्री है, एंड फिर यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे ये इसी के साथ में ये स्वैप होगा। तो यहाँ पे जो हमें एरे मिलेगा वो मिलेगा टू फोर नाइन इलेवन, ठीक है। नाउ नाइन का अगर हमने कर लिया, तो अगर हमारे पास में एरे में एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एन माइनस वन स्टेप ही चलाने, बाकी का जो बचा हुआ वन है उसके साथ ऑटोमेटिकली वो कंपेरिजन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एन माइनस वन स्टेप्स चलाने, ठीक है। नाउ अब हम समझ लेते हैं प्रोग्राम बना के भी, एंड देख लेते हैं इसको एग्जीक्यूट करके कि सॉर्टिंग होती है या नहीं होती है। सो नाइन इलेवन फोर टू थ्री, यहाँ पे ये एरे नाइन इलेवन फोर थ्री टू है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे टू थ्री ले लेता हूँ, और इसको जब अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये नाइन इलेवन फोर टू थ्री, ठीक है। और इसी को अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन आफ्टर सिलेक्शन सॉर्टिंग, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये जो हमें सॉर्ट होके जो मिलेंगे वो सेम ही मिलेंगे क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करने से पहले हम इसको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हम चलाएंगे फोर, एंड यहाँ पे स्टेप हम ले लेंगे, एंड ये जो स्टेप्स हमारे चलेंगे वो चलेंगे एलिमेंट्स डॉट लेंथ माइनस वन, ठीक है। जीरो से अगर यहाँ पे एलिमेंट्स डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी है फाइव, सो फाइव माइनस वन फोर, एंड फोर से कम यानी कि थ्री, जीरो से थ्री तक ये चलेगा, यानी कि टोटल फोर स्टेप यहाँ पे चलेंगे, एंड एलिमेंट्स हमारे पास में फाइव है, ठीक है। तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है, राइट। नाउ अब ये स्टेप चलेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक हमें वेरिएबल लेना है मिन इंडेक्स, और उसके अंदर हमें स्टोर करा देना है जो स्टेप हमारा करंट इंडेक्स जो है उसको हम स्टोर करा देंगे। अब हम एक लूप चलाएंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसमें हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। कंपैरिजन किसका करेंगे, जो हमारा करंट इंडेक्स है यानी कि एलिमेंट
मिन इंडेक्स, यही करंट हमें इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, तो मिन इंडेक्स अगर ग्रेटर देन एंड जो हम जिसके साथ कंपेरिजन कर, अगर वो छोटा है, अगर मिनिमम है, यानी कि एलिमेंट्स इंडेक्स आई, यहां पर अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि अगर मिनिमम एलिमेंट अगर हमें मिल रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, मिन इंडेक्स में हम वो वाला जो इंडेक्स हमें, जो हमें वैल्यू मिली है एरे के अंदर, उसका इंडेक्स हम इस मिनिमम इंडेक्स के अंदर पास कर देंगे, स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो हमें न्यू मिनिमम इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब ये लूप कहां से कहां तक चलेगा, तो ये लूप चलेगा स्टेप से राइट साइड में। ठीक है, अगर स्टेप टू तक पहुंच गया तो ये टू से नहीं चलेगा, ये थ्री से चलेगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, स्टेप प्लस वन, और ये कहां तक चलेगा, ये चलेगा जितने एरे के अंदर एलिमेंट्स है लास्ट इंडेक्स वहां तक। सो एलिमेंट डॉट लेंथ लेस देन लेंथ। ठीक है, तो ये यहां तक चलेगा। तो जब हमें मिनिमम इंडेक्स यहाँ पे, ये जब लूप चल जाएगा तो हमें मिनिमम इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम करेंगे स्वैप। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम फाइंडिंग इंडेक्स ऑफ मिन वैल्यू। ठीक है, एंड यहां पे हम स्वैपिंग करेंगे, तो स्वैपिंग करने का क्या तरीका, सो टेम्प एक वेरिएबल हम लेंगे और उसके अंदर हम पास कर देंगे एलिमेंट एलिमेंट स्टेप। ठीक है, जो करंट स्टेट चलेगा उसके साथ में हम स्वैप कर देंगे जो हमारा मिन इंडेक्स मिला। ठीक है, अब करंट स्टेप के अंदर हम स्टोर कर देंगे जो हमें मिन इंडेक्स मिला। ठीक है, एंड जो मिन इंडेक्स है वहां पे हम क्या कर देंगे, जो करंट स्टेप वाला वैल्यू है वो हम उसके अंदर पास कर देंगे। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे ये स्वैप कर रहे हैं ना, यहाँ पे यहां से यहां तक 0 to 3। ठीक है, तो मिन इंडेक्स हमें फर्स्ट स्टेप में ये 3 मिल गया, अब इसका हम स्वैप करा रहे हैं। ठीक है, तो 0 and 3 मिन इंडेक्स हमें मिला 3, एंड करंट जो स्टेप है हमारा, स्टेप की वैल्यू अभी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से स्वैप हमने करा दिया। ठीक है, नाउ ये इस तरीके से हमारा सिलेक्शन सॉर्टिंग का एल्गोरिथम ये हो गया। अब हम इसको वापस से रन करते हैं, और यहाँ पे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, तो और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है, सॉर्टिंग हो रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर नहीं। तो 9 11 4 2 3 9 11 4 2 3 सेम अभी पहले मिल रहा था। अब ये जब कोड रन होगा, हमने जो सॉर्टिंग किया है, इससे हमारा जो सॉर्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा वो हमें पता चल जाएगा। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देख रहे हैं आप 2 3 4 9 11 परफेक्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा सिलेक्शन सॉर्टिंग हो गया। फाइन, नाउ द थर्ड पार्ट जो हमारा था वो था कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहां पे जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, ये चल रहा है फॉर लूप 0 से n इंडेक्स तक, 0 से लेके ऑलमोस्ट n, और ये भी कितना चल रहा है, फर्स्ट जब चलेगा 0 से n तक चलेगा। ठीक है ना, तो n into n यानी कि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी, n² यानी कि वर्स्ट से वर्स्ट केस के अंदर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो गई n² एंड एवरेज केस के अंदर एंड बेस्ट केस में ओमेगा n। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यहां पे हमने कितने वेरिएबल लिए हैं, एक तो ये एंड एक ये। ठीक है, तो दो इंडेक्स हमें, दो वेरिएबल हमें एक्स्ट्रा लेने पड़े। तो यहां पे जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ओमेगा 2,
यानी कि कांस्टेंट ये स्ट्रेस कॉम्प्लेक्सिटी है, बट यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, ठीक है। तो सिलेक्शन सॉर्टिंग की एप्लीकेशन क्या है कि उस जगह पे ऐसी एप्लीकेशन या फिर ऐसी रिक्वायरमेंट जहाँ पे मेमोरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वहाँ पे सिलेक्शन सॉर्टिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। एंड जहाँ पे टाइम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, टाइम चाहे कितना भी लगे वो मैटर नहीं करता, तो ऐसी जगह पे सिलेक्शन सॉर्ट वर्क करती है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट जरूरी हो कि मेमोरी हमें जितनी हो सके उतनी हम सेव करनी है, तो फिर सिलेक्शन सॉर्टिंग बेस्ट है, राइट। सो ये हो गया सिलेक्शन सॉर्टिंग के बारे में। और अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।